हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने अपनी होंडा SP125 में कैसे चारों इंडिकेटर्स को LED के में चेंज किया। जैसा कि आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे भी होंगे कि उसमें मैंने दिखाया था कि इसमें मैंने सिमटेक की LED लाइट को लगाया था, LED बल्ब चारों इंडिकेटर्स में, जो कि काफ़ी हैलोजिन बल्ब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। और लेकिन मुझे लगा कि एक बार फिर से मैं वीडियो को बना देता हूं और पहले वाला बल्ब इस बाइक में लगा देता हूं, और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप भी अपने होंडा SP125 में अगर चाहें तो आप सिमटेक की LED बल्ब को लगा सकते हैं। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में कंटिन्यूअस, और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम अपने होंडा SP125 के चारों इंडिकेटर्स को LED में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही दोस्तों सिमटेक की LED बल्ब, जो कि मैंने अमेजन से मंगाया था, और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप उसे देख सकते हैं। और ये सिमटेक की LED बल्ब काफ़ी ब्राइट है, और ये मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना भी नहीं है, मेड इन इंडिया है। आप आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकते हैं। और इसके बाद से ये इसका प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है, ये बात सही है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। MRP 1199 है, लेकिन मुझे अमेजन से 650 रुपये में ये मिला है। तो इसी को लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे आपके बाइक में लाइट का बदलाव होता है। तो सबसे पहले मैं इसे खोल कर आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की LED बल्ब आता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये उल्टा खुल रहा है। सबसे पहले इसको बल्ब को मैं दिखाता हूँ निकाल कर। तो ये रहा आपका, इसमें चारों बल्ब आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है हैलोजिन बल्ब की तुलना में, और उसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी होता है। तो इसे ही मैं अभी अपने इस बाइक में लगाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे और इसको जेंटली इसे खोल लेंगे। इसे मैं खोलता हूँ और खोलकर आपको बताता हूँ कि किस तरह से। ये बहुत ही आसान है खोलना, ये आप आसानी से खोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये निकल चुका है, ये खुल चुका है। आगे दिखा, आगे से जैसे से आगे आ रहा वैसे दिखा, ये खुल चुका है। और इसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसमें एक नट, अच्छा नट ये इधर गिर गया है, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। फिर इसको बल्ब को कैसे निकालते हैं, इस बल्ब को आप इसे यूँ जेंटली हल्का सा पुश कीजिएगा, और पुश करने के बाद लेफ़्ट साइड में टर्न करना है। जैसे कि एक बार और देखिए, देखिए ये बल्ब निकल गया। एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे आप इसको पुश करके निकाल सकते हैं। इसको जेंटली पुश कीजिएगा, थोड़ा सा ज़ोर से नहीं दबाइएगा, नहीं तो बल्ब टूट सकता है। और इसके बाद लेफ़्ट साइड में ऐसे घुमा देना है, तो इसके बाद ये बल्ब आपका आसानी से निकल जाता है। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल इसे नीचे रख देता हूँ, इसमें से वन पीस लगाता हूँ। और इसे भी आपको करना क्या है कि इसको ठीक उसी तरीके से यहाँ लगाना है, इसमें होल्डर में, और होल्डर में लगाकर इसको पुश करना है, और पुश करके और इसके बाद से ऐसे दाहिने साइड घुमा देना है, राइट साइड में। याद रखिएगा कि इसे खोलने के लिए लेफ़्ट साइड में घुमाया जाता है, और इसको लगाने के लिए दाहिने साइड में घुमा दिया जाता है। तो ये आपका LED लाइट इसमें लग चुका है। इसके बाद से इसके शीशे को, इसका ऊपर का जो कवर है, इसके कवर को मैं लगा देता हूँ फिलहाल। और लगा देने के बाद इसको नट से दोस्तों कस देंगे। अभी फ़िलहाल मैं कसता नहीं हूँ, बाद में इसको कस के दिखाता हूँ। फिर इसके बाद आपको दूसरा वाला जो लाइट है सामने वाला, इसे भी खोलकर ठीक इसी तरीके से लगाना है। अब यहाँ पे बेटा दिखाना ज़रा, और इसे भी खोल लेते हैं। इसे भी खोलना काफ़ी आसान है, देखिए ये काफ़ी आसानी से खुल जाता है, कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी आपको, आसानी से खुल जाएगा। और इसे यहाँ रखता हूँ, और इसको भी, इस बल्ब को आप हल्का सा जेंटली पुश करेंगे और लेफ़्ट साइड ऐसे घुमा देंगे, तो ये बल्ब आपका आसानी से बाहर आ जाता है दोस्तों। इसके बाद से ये वाला जो बल्ब है, इस बल्ब को हम इसमें लगाएंगे फिर से, और आप देख लीजिए ये बल्ब
इसको जेंटली ऐसे दबाना है और इसके बाद दाहिने साइड में ऐसे घुमा देना है। तो ये आपका LED लाइट लग चुका है दोस्तों। इसके बाद से आपको ये टर्न इंडिकेटर ऑन करके मैं दिखाता हूँ। अभी लेफ्ट लाइट केवल जल रहा है, आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में ये कितना ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है दोस्तों। आप खुद कंपैरिजन कर लो, अगर किसी के पास हैलोजन बल्ब हो तो आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। आपके पास भी होंडा SP125 अगर हो तो उसमें हैलोजन बल्ब कंपनी प्रोवाइड करती है, आप उससे भी मिला लें और इसका लाइट भी आप मिला लें दोस्तों, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। बेटा ज़रा दोनों लाइट को ऑन करना, दोनों लाइट को स्विच जो लाल वाला लगा हुआ है उस स्विच को ऑन करो। यहाँ पे ये जो स्विच है, हाँ आप देख लो, आप देख सकते हो दोस्तों कितना खूबसूरत दिख रहा है होंडा SP125। और अगर आप इस लाइट को लगा लेते हैं और अगर आप रोड पे चलेंगे तो लोगों की नज़र आपके बाइक पे लग जाएगी। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपकी बाइक चोरी हो जाएगी एक लाइट से, लेकिन इतना ज़रूर है कि अन्य दूसरे लोग जो जिनके पास होंडा SP125 बाइक है वो इसे देखकर ये ज़रूर है कि हैरान हो जाएंगे कि अरे मेरे बाइक में इतनी तेज़ लाइट नहीं, तो फिर इसके बाइक में ऐसा क्या चीज़ है जो इतना ग्लो करता है। अब मैं आपको पीछे वाला भी लाइट आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। पीछे वाला भी लाइट आप देख लो कितना खूबसूरत दिखता है, कितना प्यारा दिखता है, ये लाइट कितना ग्लो कर रहा है आप देख लो। अगर आप इसमें नाइट में अगर आप इसको देखोगे तो नाइट में तो समझ जाओ कि एकदम झकास लगेगी आपकी बाइक और काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो ये था LED का सेटअप जो मैंने आपको दिखाया, अपने बाइक में आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं कहाएगा क्योंकि ये चाइनीज़ बल्ब नहीं है। चाइनीज़ बल्ब जो होता है वो काफ़ी आपको बाज़ार में सस्ता मिल सकता है, बेशक सस्ता मिल सकता है लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है और लाइट भी फ़र्क होता है उसमें। तो आप भी मंगा सकते हैं इस बल्ब को, मैं इसका विज्ञापन नहीं कर रहा सेमटेक का, लेकिन आपके अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने गाड़ी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।